राजधानी जयपुर के सिटी पैलेस में द जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल के प्रथम संस्करण की घोषणा हुई। फेस्टिवल 27 से 29 दिसंबर तक जयगढ़ फोर्ट में होगा। यह अनाउंसमेंट सिटी पैलेस में किया गया। टीम वर्क आर्ट्स के प्रबंधक निदेशक संजय के रॉय ने कहा, जेएलएफ के प्रोड्यूसर टीम वर्क आर्ट्स पूर्व राज परिवार के पद्मनाभ सिंह के सहयोग से यह फेस्ट आयोजित किया जाएगा। पद्मनाभ सिंह ने कहा कि जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल के लॉन्च पर हम जयगढ़ फोर्ट के महत्व के साथ साथ जयपुर और ढूंढाड़ क्षेत्र की कला, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने का जश्न मनाएंगे। यह फेस्ट न केवल इस क्षेत्र के इतिहास और परंपराओं पर प्रकाश डालेगा, बल्कि जयपुर को भारत के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में और भी आगे बढ़ाएगा। हमें बहुत खुशी होती है आज जयगढ़ फेस्टिवल को अनाउंस करने में। ये फेस्टिवल हमने एक लिमिटेड कैपेसिटी में लास्ट ईयर भी किया था, जिसमें हमने एक हमारे लिए खुद के लिए भी एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, और उसमें हमने बहुत एक ब्रीफ मैनर में जो हमारा मैसेज है, हमारी जो बात है, वो हमने रखने की कोशिश करी थी, जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि आपका भी बहुत हमारे साथ समर्थन रहा था। काफ़ी सारे हमारे मीडिया के बंधु हैं, सब बता रहे थे हमारे साथ, सब ने जुड़ के फेस्टिवल का जो है आनंद उठाया था। और उसके बाद हमने काफ़ी विचार किया, हमारी टीम में इंटरव्यू हमने काफ़ी विचार किया, और सब ने ये सजेस्ट किया कि जिस प्रकार से पिछले कई सालों से, 10-15 सालों से संजय जी ने और उनकी टीम ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का जो एक बहुत ही मैसिव लैंडमार्क ब्रांड खड़ा करके जो किया है, मैं कहना चाहूँगा जयपुर वासियों की तरफ से कि एक ये आपने हमारे शहर के लिए जो एक कार्य किया है, एक्चुअली कमेंडेबल। आई डोंट थिंक दैट देयर आर एनी सच इवेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड दैट हैव डन सो मच फॉर एग्रीगेटिंग टूरिज्म फॉर एनी सिटी इन द वर्ल्ड। सो हम सभी ये लगा कि ही वुड बी एन इनक्रेडिबल पार्टनर टू काइंड ऑफ नॉट ओनली कैरी आउट दिस विजन फॉर अस बट ऑल्सो टू डेवलप ऑन दिस विजन। आई थिंक ही ब्रिंग्स विद हिम एंड हिज टीम नॉट ओनली द एक्सपर्टीज बट ऑल्सो इनक्रेडिबल अमाउंट्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड। सो हमने बात संजय और उनकी टीम के साथ छेड़ी, और मुझे बहुत खुशी हुई कि ही फेल्ट एज एक्साइटेड अबाउट दिस एज अस। सो so we're very excited to be able to launch this in its new form in a much more increased capacity. Pichli baar ki tarah jo hai hamara is baar bhi built heritage ke around rahega, but hum is baar koshish karenge ki kafi sare naye elements jo aapke folk music ke ho gaye, local artists jo craftsmen hai hamare Rajasthan ke, unhe hum kis tarike se ek platform de sake, promote kar sake, unki kalaon ko kaise promote kar sake. So ye sare jo hai elements rahenge isme, history ke around kafi चर्चा रहेगी। आई थिंक जैसे संजय ने कहा कि हमारे यहाँ एक वेडिंग का जो मार्केट क्रिएट हुआ है, जिसमें होटल्स ही नहीं, बाकी काफ़ी सारे जो लोकल बिजनेसेस हैं, ज्वेलर्स हो गए, आपके टेक्सटाइल बिजनेस हो गए, इतना बेनिफिट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एक और इंडस्ट्री पे वर्क करें। जिस तरीके से लिटरेचर फेस्टिवल में हमें तो सबको देखने को मिला है कि एक सक्सेसफुल मॉडल है, इसको अब हम कैसे स्केल अप कर सकें और इसको अलग अलग वर्जन में हम कैसे प्रस्तुत कर सकें। तो मेरा मानना यह है कि एक बहुत ही जनरली टूरिज्म के लिए इस देश शहर और ऑल्सो स्टेट के लिए एक बहुत अच्छा टूरिज्म का मौका है, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इसको सारे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं उनको कैसे जोड़ सकें, और साथ ही जो हमारा फाउंडेशन, जो हमारा बेस आइडिया है कि हमारे जो लोकल आर्टिस्ट, क्राफ्ट्समैन, म्यूजिक, किसी भी फील्ड में आप ले, उनको हम हमारे साथ में लेके कैसे चलें। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पिछली बार की तरह आप हमारे साथ इस बार भी जुड़े और हमारे को एक जो है प्लेटफॉर्म प्रदान करें। गाइडेड वॉक्स दैट यू नो दैट काइंड ऑफ हेल्प यू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड पार्ट्स ऑफ जयगढ़, समथिंग दैट वी डिड लास्ट ईयर एज वेल। एंड इनफैक्ट वी हैड अ वेरी सीनियर टीम ऑफ इंक्लूडिंग आवर असिस्टेंट डायरेक्टर एट द फोर्ट एज वेल एज अदर हिस्टोरियंस दैट विल डू दैट फॉर अस। बट बिकॉज संजय मेंशन how we want this festival to actually go beyond its usual barriers. We want this to be much more, you know, we want this to be more than just about art, craft, and we want this to be about the impact that art and craft, through platforms like these, we can have on the larger scheme of things. The one thing that I want to mention here in particular is the fantastic water harvesting system that we have at Jaigarh. Sanjay mentioned that, you know, the whole system that comes up from Amer. But in Jaigarh itself, we have a system of takas, which I think
having traveled to various parts around the world, you have incredible underground water storage systems in Turkey and elsewhere. I think that our water harvesting system, not only is it extremely sustainable, something that the whole world today is talking about, but it's actually also very, very progressive for its time. And I think that through this, through obviously with your support, through this platform, we want to talk a little bit about the importance of Jaigarh and its water storage system and how that can impact modern ways of water storage and water harvesting as well as other sustainable practices. So this definitely, across our messaging, will be a very integral part.